ये तो यूएस यूएई ऐसे ही होगा ना, यूएस इंग्लैंड वगैरह? यूएसए का नहीं है ये तो, कोई न्यूयॉर्क टाइप या कोई यूएसए का कोई एयरपोर्ट लग रहा है। न्यूयॉर्क नहीं है, हमाद भाई है। अच्छा, हम देखे ना स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल देखने में ही आते हैं, वही इतना आउट क्लास या लग्जरी बना सकते हैं। भाई इंडिया में लिटरली अब आपको एयरपोर्ट जो है वो फुली ऑटोमेटेड नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो सुविधाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, मैं कहूंगी आउटस्टैंडिंग, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो ये देख के हैरान होगी, मतलब उन्होंने इस लेवल का बना दिया है, तो इसमें आप ही देखें इसी में ही कितना इनको बेनिफिट होगा। बहुत से लोगों को ये वीडियो दिखाई है तो कोई मान ही नहीं रहा, कोई कह रहा है अमरीका है, ऑस्ट्रेलिया है। मतलब आपको लगता है कि 75 साल के अंदर हमारा पड़ोसी कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप्ड कर गया है कि जहाँ पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट गिरवी रख रहा है वहाँ पे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट वहाँ पे डिजाइन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए दोनों को एक जैसा ही टाइम दिया गया है। इसको कहते हैं तब्दीली, और असली तब्दीली इसको भाई बोलते हैं, जो देश आगे निकलता है ना इसको कहते हैं बढ़ता हुआ देश यार। इसको कहते हैं और गोली की रफ्तार से बढ़ता हुआ। पिछले एयरपोर्ट को देखो और जब ये न्यू बना तो क्या चीज बना है। इंडिया बुनियादी तौर पर वो मुल्क है कि जिसने प्रूव कर दिया है कि हम वो कंट्री हैं कि हमारी कंट्री में आके आप इन्वेस्टमेंट करें। यानी ये समझ लें कि उन्होंने यूरोप का, अरब का या जितने भी कंट्रीज हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। भाई ने अपॉर्चुनिटीज दी थी हर पाकिस्तानी को और दूसरे नेशनैलिटीज को कि आप यहाँ से 50 लाख तक का लोन लें और दुबई में बिजनेस करें। हाँ, तो इन्होंने वहाँ से लोन लेके आईडी कार्ड जमा करवा के टिकट कटा के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर वापस नहीं जा रहे। अब जो डिजर्विंग बनता है उसको भी नहीं मिल रहा। अब सबके तकरीबन वीजे बंद हो चुके हैं। मेरा खुद मेरा एक कजन है, उसने ऐसा किया है, 70 लाख रुपए लेके आया पाकिस्तान और वापस नहीं गए। पाकिस्तान डे बाय डे इतना पीछे चलता जा रहा है कि लोगों ने, दुनिया के दीगर मुल्कों ने इसका नाम भी डिस्कस करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी साहब, वो तो मैं उनको हीरो कहती हूँ, वो बिल्कुल, क्योंकि उनका काम देखे ना, हम बहुत जबरदस्त है, A1 है। हमारे मोस्टली लोगों के माइंड में ये बिठा दिया गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान एक नूर है, इसे कभी जवाल नहीं हो सकता, इसे जितना भी खा लो, इसमें जितनी भी करप्शन कर लो, पाकिस्तान को कुछ हो नहीं सकता। भाई इंडिया में लिटरली अब आपको एयरपोर्ट जो है वो फुली ऑटोमेटेड नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो सुविधाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, मैं कहूंगी आउटस्टैंडिंग, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात में जो मैं हमेशा हवाई अड्डों के बारे में बोलती इंडिया के, कि लाइक जो जिस भी आपको शहर में वो दिखने को मिलता है और जिस स्टेट में होता है उसकी जो संस्कृति, जो कल्चर है, वो दर्शाई जाती है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत, भाई वही ना स्टेट ऑफ द आर्ट जो है आपको एयरपोर्ट जो है वो दिखाई देते हैं। मैं तो भाई यहाँ पे कहूंगा जो गेट बनाए हुए हैं, जो गेट, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगे, एक बहुत यूनिक स्टाइल मुझे लगा उनका भी। कॉरिडोर भी बहुत अच्छे लगे, स्पेशली वो जो फ्लावर्स वाला था साइड, वो शीशे के बने होंगे ना, मे बी, मुझे भी लग रहा है कि ग्लास के ही लग रहे थे, मुझे भी ग्लास के लग रहे थे। अब इतना ज्यादा डीपली मुझे पता नहीं है, ये आप में से कोई बताइएगा जरूर। अच्छा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्पेशली एक वॉल जहाँ पर काशी जो है वो पूरा दर्शाया गया था, वो बहुत खूबसूरत, मतलब जिस तरीके से वो बनाया गया है वो बहुत अच्छा लगा, कारीगरी बहुत खूबसूरत है। मैं उसमें जो घाट के किनारे जो टेंपल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो आपको सेक्रेट प्लेसेस देखने को मिलते हैं, उसे जिस तरह हाईलाइट किया गया और द्वारों पे जो है वो लगाए गए हैं और आपको जो है उस शहर की जो है या उस स्टेट की जो है एक रौनक दिखाई गई है, ठीक है ना, तो ये चीज वाकई जो है वो बहुत मुझे अच्छी लगती है कि भाई आप जो है ना आने वाले यात्री हों, बेशक वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, उन्हें उस स्टेट की जो है वो खूबसूरती का पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्या कुछ देखने वाला है। और अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत अच्छी है, फुली ऑटोमेटेड, बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड है, और आप इसमें टाइम भी कम वेस्ट होता है देखा जाए। भाई देखे ना, आपको सबसे बड़ी चीज क्या नजर आती है कि अब जो है ना इंडियन एयरपोर्ट से कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई जो है वो जा रही है, करोड़ों में जो है ना वो बात की जा रही है, एक साल में इतने यात्री आएंगे। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई अब आपको जो है ना, आपको इंडिया में एयरपोर्ट ऑटोमेटेड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वैसे अडानी कंपनी जो है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है भाई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शंस में। मैं बोलूंगी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है भाई कंट्री की इकोनॉमी में, और जिस तरीके से यू नो वो गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कोलैब करते हैं और बनाते हैं,
तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। डेफिनेटली जो बिजनेसमैन है उसको भी फायदा होता है, और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि 13,000 लोगों को जो जॉब्स हैं वो मिलेंगी, तो ये भी एक उनका एक रोल होता है कि नए जितने भी लोग हैं जो यूथ है उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अर्न कर सके, अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर सके। और मेरा ख्याल है कि भाई जब आपकी अपॉर्चुनिटीज आपकी यूथ को मिल रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो रहा हो, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके वहाँ पे खुशहाली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लोगों के अंदर नजर आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वैसे जो एयरपोर्ट है वो जो है चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जो है, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे, और उससे पहले वो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी थे और फिफ्थ चीफ मिनिस्टर भी थे वो। और उससे पहले अगर बात करें तो भाई वो जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रहे हुए हैं, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। मॉरिशस और श्रीलंका के अंदर दो मुल्क है, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया UPI, वो उन आज उनके कंट्री में लॉन्च हुआ है, जिसमें वो इंडिया अगर आएंगे या वो उधर जाएंगे पेमेंट की ट्रांजैक्शन होगी, एक रुपया नहीं कटेगा। अब आपका पैसा बचाने के लिए ऐसी ऐप्स निकल रही हैं, और अभी 20 से ज़्यादा मुल्कों में वो चल रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक रुपया नहीं कट रहा। दुबई से पेमेंट भेज रहे हैं, एक रुपया नहीं कटता। लेकिन वही चीज़ रिवर्स हो जाए, पाकिस्तानियों ने पैसा बाहर भेजना हो या बाहर से पाकिस्तान, दो दफ़ा टैक्स कटता है। नहीं, पाकिस्तान में ये होता है, देखो अगर हमारे लोग दुबई में जाते हैं हमें फायदा है, हाँ। दुबई से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे हमें फायदा है, बिल्कुल। लेकिन टैक्स भी दो दफा कटते हैं। नहीं नहीं, ये वैसे होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए, टैक्स पे से मुल्क चलेगा। लेकिन ये इधर फ्रॉड ज़्यादा हो जाता है, बंदा बाहर के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए इनको चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बंदे के साथ तआवुन करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, जो बंदे फेक काम करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। जब खजाने में पैसे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना, जब पैसे नहीं होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मैं स्विगैस में जॉब करता हूँ एज ए सरकारी ऑफिसर, मैं खुद, और हर बंदे को फ़र्क पड़ा, मुझे खुद फर्क पड़ा। सर देखिए, अगर एक ट्रांजैक्शन डिजिटल होती है उसका रिकॉर्ड होता है, करप्शन कम होती है, एक ट्रांजैक्शन आप पैसों में करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उसको तो मुल्क को उसका नुकसान होता है, टैक्स कलेक्शंस में भी नहीं आता, तो आपको नहीं लगता कि डिजिटल पेमेंट ज्यादा करनी चाहिए? जी जी, सब कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जेन्युइन है वही काम होना चाहिए। इधर हम खुद ही नहीं एक दूसरे के साथ देते, जैस कैश पे चले जाओ जी, आपके पैसे पहुंच गए, अगर नहीं पहुंचे होंगे दोबारा जी मैंने ये भेज दिए। हम छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी करप्शन हो रही है, फिर बड़े लेवल पे क्यों नहीं होगी? ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, मुल्क का एक नाम होना चाहिए, हमारे जो लोग खुद नहीं सही। मैं अगर मेरे कुछ लोग हैं जो दुबई में जाते हैं, उधर 5-6 साल लगाते हैं, अपना एतबार बनाते हैं, उधर से लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, बाद में वापस नहीं जाते। आप कुछ दिन पहले, आपको भी पता है कि दुबई का पाकिस्तान के लिए वीज़ा बैन हो गया, और सऊदी का भी बैन, और ये गलत है। हम खुद पाकिस्तानी, हम खुद नहीं चाह रहे कि मुल्क ने अपॉर्चुनिटीज दी थी हर पाकिस्तानी को और दूसरे नेशनैलिटीज को कि आप यहाँ से 50 लाख तक का लोन ले और दुबई में बिजनेस करें। हाँ, तो इन्होंने वहाँ से लोन लेके आईडी कार्ड जमा करवा के टिकट कटा के पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आकर वापस नहीं जा रहे। अब जो डिजर्विंग बनता है उसको भी नहीं मिल रहा। अब सबके तकरीबन वीजे बंद हो चुके हैं। मेरा एक कजन है, उसने ऐसा किया है, 70 लाख रुपए लेके आया पाकिस्तान और वापस नहीं गए। दुबई में इंडियंस भी बहुत ज्यादा है, उनके आज तक हमने रिकॉर्ड नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुवैत में इंडियन लोग ज़्यादा रखते हैं, बांग्लादेश वाले ज़्यादा रखते हैं, कम सैलरी पे बाहर वाले लोग क्या करते हैं, किसी का हक नहीं खाते, वो भी शराब पीते हैं, सारा कुछ पीते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी सुनता है। पाकिस्तान खाली मुसलमान के लिए अल्लाह ताला नहीं है, सबके लिए है, उनकी बात सुनते हैं अल्लाह ताला, वो भी शराब पीते हैं। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अगर हम शराब पियेंगे अल्लाह ताला बात नहीं। डिजिटल पेमेंट में कहां से अल्कोहल आप? नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूं कि जब तक ये चीज़ें नहीं ख़त्म होगी, एक दूसरे का खाना नहीं ख़त्म होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी आवाम ही नहीं चाह रही कि इधर फायदेमंद वाली चीज़ हो, और आनी भी चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन कर दिया। दोस्तों, यह बेहतरीन टर्मिनल को 2400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें पीक आवर्स में 4000 यात्री एक साथ रह सकते हैं। दोस्तों, ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल की सालाना यात्रियों की क्षमता 1 करोड़ की है। दोस्तों, यह नया टर्मिनल खुलने से करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इस एयरपोर्ट की खासियत की बात करें तो इसमें 72 चेक इन काउंटर है, जिसमें 17 सेल्फ बैगेज ड्रॉप है। वहीं 62 इमिग्रेशन काउंटर है,
वहीं एक साथ 1500 वाहनों की क्षमता वाला पार्किंग है। वहीं इसमें एडवांस बैगेज स्क्रीनिंग मशीन भी लगाई गई है। दोस्तों, इस टर्मिनल की डिजाइनिंग में लखनऊ की चिकनकारी की झलक नजर आ रही है। इसमें कलाकृतियों में महाभारत और रामायण काल के दृश्य दिखाए गए हैं। वहीं एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एक दीवार पर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंदिर और स्थानीय कलाकृतियों को दर्शाया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये एयरपोर्ट किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं लग रहा। दोस्तों, जब इसका वीडियो पाकिस्तानी लोगों ने देखा तो सबसे पहले उसका ऐसा ही रिएक्शन था कि ये एयरपोर्ट यूरोप के किसी देश का हो सकता है। दोस्तों, वो लोग मान ही नहीं रहे हैं कि इस प्रकार का वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भारत में भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।